तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन देखिए, कहता है यूपी रेल लाइन, जो उत्तर प्रदेश रेल लाइन है वो भारत में देश में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश रेल लाइन के जाल में प्रथम स्थान रखता है। कौन सा स्थान? प्रथम स्थान पर रखता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का प्रथम ट्रेन जो है मार्च 1859 ईस्वी में चलाई गई थी, 1859 में, ठीक है। भारत में कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच चली थी 1853 में। लेकिन ये उत्तर प्रदेश का प्रथम ट्रेन 1859 ईस्वी में चलती है प्रयागराज और कानपुर के बीच में, ठीक है, याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला, यूपी रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का रेल संग्रहालय आपके वाराणसी में स्थित है, वाराणसी, याद करिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, देश के अंदर रेल जोन कितने हैं? 18 सब जानते होंगे, लेकिन 18 में से दो जो हैं यूपी के अंदर पड़ते हैं। कौन कौन सा? पहला पड़ता है उत्तर मध्य रेलवे जोन, जो कि आपके प्रयागराज में है, उत्तर मध्य रेलवे जोन। दूसरा है पूर्व उत्तर रेलवे जोन, आपके गोरखपुर में पड़ता है। तो दो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। अगला है, देश की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? तो देश की सबसे लंबी ट्रेन जो है आपका प्रयागराज एक्सप्रेस, कौन सा है? प्रयागराज एक्सप्रेस है, जो दिल्ली से प्रयागराज चलती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ये ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच चलती है, ठीक है, तो प्रयागराज एक्सप्रेस दिल्ली से प्रयागराज के बीच चलती है। प्रथम हम सफर ट्रेन कब चली थी? 16 दिसंबर 2016 एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए हम लिख दिए हैं आपके लिए, जो कि गोरखपुर से दिल्ली के बीच चली थी। कहाँ से? गोरखपुर से दिल्ली के बीच चली थी प्रथम हमसफर 16 दिसंबर 2016 को, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आइए और आगे देखेंगे भाई, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? कौन सा है? गोरखपुर है, सब जानते हैं लगभग 99%, सिंपल क्वेश्चन है। अगला है, देश का थर्ड रेलवे कोच कारखाना कहाँ पर है? तो आपके लालगंज रायबरेली, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेल कोच कारखाना कहाँ पर स्थित है? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो यूपी में कहाँ पर है? लालगंज के रायबरेली में है। कहाँ पर है? रायबरेली में। अगला, रेलवे कोच रिपेयरिंग कारखाना कहाँ पर है? रिपेयरिंग कहाँ की जाती है? कोच समझ रहे हैं ना, जो पैसेंजर गाड़ी होता है उसका कोच होता है, कोच, उसको रिपेयरिंग, कुछ ख़राब होता है उसका रिपेयरिंग कहाँ पर होता है? गोरखपुर में होता है। बनता कहाँ पर है? रायबरेली में बनता है, लालगंज में, ठीक है, और उसका रिपेयरिंग जो होता है आपके गोरखपुर में होता है। आगे है, यूपी में मेट्रो जो लखनऊ जो है कब चालू हुई थी? 2017 में। अगला, भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड क्या है? कहाँ पर है रेल यार्ड? कहाँ पर है? मुगलसराय, बहुत बड़ा यार्ड। यार्ड समझते क्या होता है? रेल लाइन जो होती है ना, तो स्टेशन, मतलब कि ऐसे जो लाइन जाती है, यह लाइन जा रही है, ये रेल यार्ड है। यहाँ से आपके बीच की दूरी को रेल यार्ड करते हैं, मतलब कि कई लाइन फैली रहती हैं, बार बार लूप लाइन बनी रहती हैं, उसी को हम रेल यार्ड बोलते हैं। तो एक सबसे बड़ा है आपका मुगलसराय। इसके बाद है रेलवे सुरक्षा आयोग, यूपी रेलवे सुरक्षा आयोग जो है यूपी में कहाँ पर है? आपके लखनऊ में है। कहाँ पर? लखनऊ में है। अगला है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? आपके मरवाड़ी वाराणसी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ये वाला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। और देखेंगे जल परिवहन, जिसे हम बोलते हैं NW, तो राष्ट्रीय जल मार्ग NW 01, मतलब पहला वन, कहाँ पर है? प्रयागराज और हल्दिया के बीच है, जो कि गंगा नदी में बनाया गया है, जो कि 1620 किलोमीटर का है। कितना? गंगा नदी, ठीक है। तो NW जो है आपका वन जो है प्रयागराज और हल्दिया के बीच है। वायु परिवहन, देखिए भारत का प्रथम हवाई उड़ान जो है 1911 में, जो कि इलाहाबाद से नैनी के बीच उड़ाया गया था। कब? 1911 ईस्वी में, जो कि डाक के लिए, डाक भेजा गया था इसी की वजह से, ठीक है, डाक, भारत का था ये,
ठीक है, यूपी का भी कर सकते हैं, भारत का भी कर सकते हैं। अगला है नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र जो है कहाँ पर है, बमरौली इलाहाबाद, कहाँ पर, बमरौली इलाहाबाद। ठीक है, तो वायु परिवहन में इतना ही क्वेश्चन है, और इसका एक और पार्ट है वायु परिवहन का, उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे, ठीक है, इसी का भाग है, लेकिन वो एक चैप्टर हो जाता है, इस वजह से वो हम वीडियो बना चुके हैं, नहीं है तो आपको इसमें हो सकता है तो इसी में इंक्लूड कर देंगे। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और टॉपिक उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे, सबसे पहले है खेरिया हवाई अड्डा, कहाँ पर है, आगरा में, कहाँ पर, आगरा में, याद कर लीजिएगा। खेरिया में शब्द है खैर, क्या शब्द है, खैर, यहाँ पर शब्द है आग, आग लगा देंगे, तुम्हारी खैर नहीं आग लगा देंगे, ऐसा आदमी बोलता है कभी कभी। दूसरा है फुर्सतगंज हवाई अड्डा, कहाँ पर है, रायबरेली, तो राय जो है होते हैं राय लोग, वो हमेशा फुर्सत में रहते हैं, ऐसे बैठा लीजिएगा दिमाग में, तो फुर्सतगंज जो है कि आपके रायबरेली में है, फुर्सतगंज हवाई अड्डा। अगला है तीन नंबर चकेरी हवाई अड्डा, जो कि कानपुर में है, तो चकेरी में शब्द क्या है, चकेरी मतलब ऐसे चक्का जैसे जानते ही होंगे चकेरी, वो कैसा होता है, कान के आकार का, ऐसे बैठा लीजिए दिमाग में, तो चकेरी हवाई अड्डा आपके कानपुर में है। उसके बाद है हिडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में, कहाँ पर, गाजियाबाद में, तो हिडन में शब्द है हिडन मतलब छुपना, जब आदमी गाजियाबाद में शब्द है गाजा, जब आदमी गाजा पीता है तो छुप कर हिडन होके गाजा को पीता है, ऐसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद है बमरौली हवाई अड्डा आपके प्रयागराज में है, जिसे हम इलाहाबाद कहते थे, तो बमरौली, तो बमरौली वहाँ पर बमरौली होती हैं, कहाँ पर, आपके प्रयागराज में, छात्र नेता बम के साथ रैली करते हैं, कहाँ पर, इलाहाबाद प्रयागराज में। अगला है डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पर है, आपके मेरठ में, तो 1857 क्रांति कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी, तो डॉक्टर अम्बेडकर भी एक क्रांतिकारी थे, एक तरह से जानते हैं कि, तो मेरठ की धरती क्रांतिकारियों की धरती, इसी से डिनोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, बैठा लीजिएगा। अगला है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पर है, लखनऊ में, तो लखनऊ में शब्द है लखन, लखन भगवान, तो लखन जी मिलेंगे तो क्या करेंगे, उनका चरण छू के प्रणाम करेंगे, ठीक है, ऐसे बैठा लीजिए। आठ नंबर है भैया सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पर है, सहारनपुर में, तो इसमें भी सर सावा आए सहारनपुर, सिंपल है, बैठा लेंगे, याद हो जाएगा, एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, लिख लीजिएगा सबको। अगला है नागरिक हवाई अड्डा कानपुर में, नागरिक हवाई अड्डा कानपुर में, तो हर नागरिक का क्या होता है, कान होता है, बैठा लीजिएगा, याद हो जाएगा। ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में है, सिंपल है, याद कर लेंगे। ग्यारह नंबर है ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा, कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में बन रहा है, अभी काम चल रहा है, तो ताज पूरे यूपी का ताज कौन सा है, ग्रेटर नोएडा है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है, ठीक है, और औद्योगिक क्षेत्र भी है, और सबसे उधर है, बात समझ लीजिए, तो कह सकते हैं जो ताज है यूपी, यूपी का वो कौन सा है, नोएडा है, तो ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा में। झांसी हवाई अड्डा आपके झांसी में है, सिंपल है, याद कर लेंगे। जेवर हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर में, कहाँ पर, गौतम बुद्ध नगर में, तो जेवर, तो गौतम भगवान जो थे अपने घर द्वार को त्याग दिए और सभी जेवर को त्याग दिए, सभी घर द्वार जेवर मेवर को त्याग कर सब वन में चले गए, कौन, गौतम बुद्ध जी, तो उन्हीं के नाम पर बना है जेवर हवाई अड्डा, कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में। याद करने का ये सब तरीका है जो सिंपल भाषा में आपको याद रहे और ज़्यादा दिन तक याद रहे, तो इसको आप एक कापी पर यूपी जी के बनाकर उसे नोट करते रहिएगा, धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, धन्यवाद।